आज हमारे साथ मौजूद बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, जो उन लोगों का काफ़ी अथरा महीना से 2 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज तक उन लोगों का बहुत एक छोटा सा डिमांड है, डिमांड बोल के नहीं, उन लोगों का जो मिलने का पैसा है, मिलने का दायित्व है, जो मिलने के लिए उन लोगों ने काम किया है, और ख़ास करके एक छोटा छोटा बच्चा लोगों को वो लोग पढ़ाते हैं, स्कूल में खाना खिलाते हैं, स्कूल में कैसा पहला जब घर से जब माँ उसको छोड़ते हैं तब स्कूल में, तो उनका पास में ही पहला दूसरे माँ कहा जाता है। लेकिन आज एक बात किया जाए तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो लोग उन लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत होता है, धीमा हादसों में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह से। अभी अभी आप दीदी आप क्या क्या आपका प्रॉब्लम हो रहा है जो आंगनबाड़ी आज में मीटिंग हुआ उसको छोड़ के भी, जैसे कि थोड़े देर पहले 18 महीने से आप लोगों का सैलरी नहीं मिले, ऑनरेम पोस्ट नहीं मिल रहा, क्या बोलेंगे? আমি বহুত যে কষ্ট পাওঁ, আমি যে অনৰিম পোৱা নাই, আমাৰ এৰিয়া পোৱা নাই, আৰু তাৰপিছত স্কুলৰ বিষয় লৈ আমি বহুত কষ্ট পাওঁ। আমাৰ এটা আংগনবাড়ী চেণ্টাৰ নাই, আগত দিছিলে বহুত, আমি বহুত আগত চেণ্টাৰবিলাক পাইছিলোঁ, এইবিলাক ভাঙি ছিঙি শেষ হ'ব, আমি ৰিপেয়াৰ কাৰণে বহুতবাৰ অফিচত জনাইছিলোঁ, তথাপিও আজিলৈকে গুৱাহাটীৰ পৰা দিয়া নাই বুলি আমি তেওঁলোকে একো পোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি বহুত কষ্ট হৈ আছোঁ। আৰু পানীবিলাক নাই, একো আমাৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল নাই, ল'ৰা ছোৱালী খেলি ধূলি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ফিল্ডো পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে আমাৰ ডিমাহাছৰ বহুত এনেকুৱাই হয়, আমাৰ একো এতিয়ালৈকে আমি একো চেণ্টাৰবিলাকো পোৱা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, মাত্ৰ 10% মানুহ পাইছোঁ, 10% লগতে ইমান কিবা কৰিব নোৱাৰিব আমি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বতায় কি আপ বতায় তো আপোনাৰ কি কি আৰু প্ৰব্লেম হয়? আমাৰ ডিমাং অসমে বহুত প্ৰব্লেম থা, আমাৰ প্ৰব্লেম চেণ্টাৰ জাগা চেণ্টাৰ নহি হে, চেণ্টাৰ হ'লে চেণ্টাৰ কা জাগা মে জো পানী লাগতা পানী পে নহি হে, জো বাথৰুম লাগতা বাথৰুম পে নহি হে, জো খিচৰে বনানা হে পকানে কে লিয়ে ও ঘৰ চাহিয়ে ও ঘৰ ভি নহি মিলা হে, বহুত প্ৰব্লেম হে। চৰকাৰ ইনফৰমেশ্যন দিয়া ৰখা তা, আমাৰ চি ডি বি চৰকাৰে বোলা ৰখা তা, লেকিন কৈ কৈ চেণ্টাৰ মে তোৰ 20-100% মে 75% নহি তা আমাৰ ডিমা হাছৰ চেণ্টাৰ মে, এইলিয়ে আমাৰ জো যেতিয়া আংগনবাড়ী কা কৰ্মী আমাৰ চালানা তা আমাৰ চালাতা হে মন দি কে মানে ড্ৰিল ডাল লগাকে চালাতা হে, লেকিন ফিৰ ভি আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট থাকে আমাৰ এতিয়া চাপৰ নহে কাটা, আমাৰ অনাৰিয়াম 8 মহিনা থ চাল ৰখা হে, আমাৰ বহুত ঠগলি হতা হে, আমাৰ লৰকা বেচা হে, আমাৰ ফটনে বলা হে, লেকিন আমাৰ কাপোৰ পিন্ধা হে, আমাৰ ব্লাউজ একদম পিন্ধা হে, 8 মহিনা থাল তো আমাৰ বহুত ঠগলি হ ৰখা হে, এইছিলে সবৰ্ণ সবৰ যে আৰু মই মহিলা ফৰ্মিলা ৰাণী মেডাম জী কম অনুৰোধ কটা হে, আমাৰ দেৱালীকে আগে মে, আমাৰ দুৰ্গা পূজা ফেষ্টিভেলকে আগে মে, তোৰা আমাৰ অনাৰিয়াম কা তোৰা আগে বাৰকে দিন আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ মানে এছে আশা কাটা হ'ল। লেকিন আজ উপরাসো কাই নেই, ডিউমবরা কাই নেই, পুরো ডিমা হাত আঙ্গনবাড়ি লোক আজ আমাদের সাথে মজুদ। আপ কহাঁ সে? हमारा यहाँ सैलरी हमारा साथ, और यहाँ पे हमेशा बोलता जाता है कि इलेक्शन आने से कि यहाँ पे चेकिंग आएगा, यहाँ पे बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन एलपी स्कूल में कमी है कि हमारा एडिशनल वर्कर और मिनी वर्कर में वन फर्क दे दिया हम लोग को, सैलरी भी अलग है, किसी से भी है कि बच्चा हमारा सैलरी कम की है, सेम नहीं हो रहा है हमारा, कि हम हमारा चेकिंग होने के लिए आ रहा है, हमें ये हो रहा है कि कहाँ पे हम करें, ये नहीं हो पा रहा है हम लोग। तो दीदी आप बताइए तो आपका धीमा हासो में तो बहुत सारा आंगनबाड़ी है, बहुत सारा लोग है, और आपका कितना क्लास तक पढ़ाते हैं आप लोगों ने और कैसे कैसे पढ़ाते हैं? हम लोग 3 से 6 ईयर्स तक के बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, और हम लोग वहाँ से मतलब जो 6 से तो एल पी
स्कूल में चला जाता है, उसी तरह पढ़ाते हैं। लोगों का डिमांड क्या रही, आपका अपील क्या रही? हम लोग का डिमांड यही है कि हमारा सेंटर नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है। सेंटर नहीं होने की वजह से हम लोग को वहाँ बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए जगह नहीं है, बर्तन है ना कुछ है, सामान नहीं है, एक पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड तक भी नहीं है अभी तो फिलहाल, इसीलिए ना ब्रेंच है। तो हम लोग बच्चा को कहाँ रखें, कहाँ पढ़ाए, कैसे खिलाए, क्या बर्तन में खिलाए, कहाँ पकाए, पानी नहीं है, एक किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा या आधा किलोमीटर। तो हम लोग तो अकेले वर्कर तो वो पानी लाए या बच्चों को खाना बनाए के खिलाए या उन्हें पढ़ाए, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए और फिर भी साथ में सैलरी भी का भी बहुत डिफरेंस है। मिनी को मिलता है अभी तक तो 1500 हुई और एडिशनल को तो शायद 3000, उसमें भी डिफरेंस है। और ऊपर से मतलब काम तो इतना करना पड़ता है, मतलब सब कुछ तो काम है ही, हेल्पर भी नहीं साथ में, वो सब भी प्रॉब्लम है। इसीलिए वही तकलीफ जो भी है, मतलब तनख्वाह जो मतलब जो अनुरूप पोस्ट है वो मिलना चाहिए। इसीलिए सेम वेतन होने से थोड़ा अच्छा होता रहा, क्योंकि हम लोग को भी मतलब सभी का एक समान होने से काम करने में भी अच्छा लगता है। हम लोग को अकेला ही मतलब मिनी का भी काम सेम है, एडिशनल का भी काम सेम है, तो हम लोग का भी वेतन तो डिफरेंस है ना, इसीलिए बराबर होना चाहिए। इसलिए बराबर हो आधार का वेतन मिलना जरूरी है, जो अनुरूप मिलना जरूरी है। और ख़ास करके अगर 3 साल से लेकर 6 साल तक उसका बहुत देखना मुश्किल होता है, ठीक है। हालांकि घर में भी देखना बहुत खुद माँ भी उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो लोग उसी बच्चे को उसी छोटे छोटे बच्चे को संभाल के रखते हैं। फिर ऊपर से अगर उन लोगों का जो 18 महीना तक कुछ ऑनरेम जो मिलते हैं उसको भी थोड़ा सा मिलते हैं, उसको भी नहीं मिल रहा है, तो डिमांसों में इस तरह सा कैसे होगा? तो हमारी पूरे भारत विश्व में सबका साथ सबका विकास का नाम ले रहा है हमारी सबके स्लोगन है, लेकिन भीमाशाओं का आंगनवाड़ी का एक छोटा सा जो प्रॉब्लम है उन लोगों को भी सॉल्व नहीं कर पाया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे कोई हिल स्टेशन का टीम आशा करता है कि ये सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचे और उनके पैसा जो है, उनका जो तनख्वाह जो है, उनका जो पैसा जो है जल्द से जल्द उन लोगों के लिए दिया जा सके।